हेलो गाइस, आई एम एनडीए सर और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई फंडा फॉर यू में। आज हम जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं, आप उसको जानने के लिए वीडियो हमारी जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आप वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। चलिए हम जो है क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम आज आपको ज़रा दिखा देते हैं। इन्फॉर्मेशन जिस बारे में बात करने वाले हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास है, इग्नू री एडमिशन डेट, इग्नू टर्म हमारे पास जो है, टर्म एंड एग्जाम डेट हमारे पास है, इग्नू की एडमिशन टेस्ट जो है डेट PhD और ओपन मेट के लिए हमारे पास है, UGC नेट जून 2020 की हमारे पास फुल डिटेल हम आपको बताएंगे, वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए पहले हम जो है ये क्वेश्चन हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने में सबसे पहले हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, आप पास इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का सबसे पहले आपके सामने एक जो हमारे पास प्रेस रिलीज है, नोटिफिकेशन है, उसको हम पढ़ते हैं। री एडमिशन डेट से रिलेटेड क्या है, विद द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी लास्ट डेट फॉर री एडमिशन, जो री एडमिशन की लास्ट डेट है और री एडमिशन वो क्या है, बस वो 30th of April से 31st of May 2020 तक है, यानी 30th of April से शुरू हो चुकी है और 31st of May में जाके वो लास्ट हो जाएगी। ये रजिस्ट्रार साहब ने आप जो है नोटिफिकेशन ये जारी किया है। आप अपना अगर आप देख लें किसको आपने री एडमिशन लेना है, कौन से सेमेस्टर में कौन सी क्लास में, आप जाइए और अपने उस जाके अप्लाई कर दीजिए। आप ऑनलाइन जाके कर सकते हैं 30th of April से 31st of May तक। अब जाके हमारे पास है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। दूसरा हमारे पास क्या है, एक नोटिफिकेशन हमारे पास और है और वो TEE से रिलेटेड है, यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन 2020 कब होने वाले हैं उन्होंने आपने बताया है। देखो हमारे पास ये बताया कि स्टूडेंट मे अपियर फॉर एग्जामिनेशन एंड शुड बी रेडी टू टेक द एग्जामिनेशन एट शॉर्ट नोटिस। स्टूडेंट आर ऑल्सो एडवाइज टू चेक द स्टेटस ऑन द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। तो फर्दर द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन TEE एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म जो आप पास हैं विदाउट लेट फीस, जो विदाउट लेट फी है वो आपको 31st May 2020 तक बढ़ा दी गई है, यानी आप 31st of May 2020 तक अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप पास है। दूसरा अब हमारे पास एक तीसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, वो है UGC नेट से रिलेटेड। UGC नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 जो उसकी डेट है, वो दो तरह का आपके पास एग्जाम होता है नेट, एक पास जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए और दूसरा जो आप पास होता है एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। और इसको जो कंडक्ट कराता है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफ NTA कंडक्ट कराती, पहले CBSE कराती थी और इसकी जो डेट अप कर दी गई है वो 15 जून 2020 से लेकर के 20 जून 2020 तक, यानी इसके बीच में आपके पास ये एग्ज़ाम हो जाएगा। अब देखिए उसके लिए आप उसमें बताया हमारे पास दो एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम पास होते हैं, पेपर वन होता है और पेपर टू होता है। पेपर वन 100 क्वेश्चन, पेपर टू में 200 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी मार्क्स, पेपर वन 100 मार्क्स का होता है, पेपर टू 200 मार्क्स का होता है। और पेपर वन में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं, पेपर टू में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं। टाइमिंग जो है वो फर्स्ट शिफ्ट की वो 9:30 से 12:30 है और जो सेकंड शिफ्ट है उसकी टाइमिंग 2:30 से लेकर के 5:30 तक है। आप ऐसे ड्यूरेशन जो है उसका 3 घंटे का है। और ये जो आपका टेस्ट होगा ये आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे हम CBT बोलते हैं, CBT मोड। या पास ये करा के जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो मे अप्लाई ऑनलाइन बिटवीन 16 मार्च 2020 टू 16 अप्रैल 2020 11:50 तक रात को। अब द एप्लीकेशन फी कैन बी पेड अप टू 17th of April 2020। तो ऑलरेडी इसका मतलब ये है कि आप पास अब डेट निकल चुकी है आपकी, अगर द एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन तो आपका जो है सिर्फ ये डेट एग्ज़ाम की डेट चेंज हुई है, बाकी जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है ये वही भर सकते हैं, उसके अलावा कोई और एग्ज़ाम अब ये दे नहीं पाएगा। अब उसके बाद हमारे पास जो है तीसरी चीज़ हमारे पास चौथी चीज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ही है। कुछ मेरे पास एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनकी डेट बदल गई है। अब किन की डेट बदल गई वही हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम की डेट क्या हो गई है ये चेक करेंगे। किसकी वजह से आपको पता लगना चाहिए कि फेस बाय दी कौन सा हार्डशिप फेस बाय पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ड्यू टू COVID-19 एपेडेमिक द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ फर्दर एक्सटेंडेड या रिवाइज द डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस। सबसे पहले आप पास कौन सा, नेशनल काउंसिल फॉर होटल के लिए मैनेजमेंट NCHM JEE 2020। ये पहले जो डेट थी इसकी 1/1/2020 से लेकर 30
4/2020 तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 1/3 यानी 1 मार्च से लेकर के 15 मई तक कर दिया गया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू जो आपासी ओपन मेट PhD का है, इसकी डेट पहले 28 फरवरी से 30 अप्रैल तक थी, अब 1 मार्च से लेकर के 15 मई तक हो गई है। उसके बाद इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एग्री, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR 2020, पहले ये 1 मार्च से 30 जून तक थी आपास ये, सॉरी 30 अप्रैल तक, और अब ये 1 मार्च से अब आपास क्या 15 मई तक हो गई है, यानी आपका अप्रैल से मई कर दी गई है डेट। अगर आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहे हैं, उसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले आपास वो 2 मार्च से 30 अप्रैल तक थी, अब आपास वो मार्च 2 मार्च वही रहेगा पहले डेट, लेकिन बढ़ा दी गई है 15 मई तक। अब आपास अगर आप ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं AIAPGET 2020, जो पहले आपास ये 1 मई से 31 मई तक था, अब आपास ये 6 मई से, यानी डेट बढ़ा दी गई है, 1 मई हटा करके 6 मई कर दिया गया है, और जो आपास 31 मई था उसको अब 5 जून कर दिया गया है। तो ये आपास सारी इंफॉर्मेशन हैं जो, और आपकी जो डेट है आपकी, वो कह रहा है जो आपकी फॉर्म है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको 4 बजे तक, आपको 4 बजे से अप टू एंड सबमिशन ऑफ फी, और फी जो है 11:50 तक आपको भर के जमा कर देनी है, फॉर्म आपका 4 बजे तक जमा हो जाना चाहिए। आपकी जो पेमेंट है, जो आप पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट आपकी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और पेटीएम, आप जिससे मर्जी चाहें आप उससे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिटेल, अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, आपको लगता है कि जी हाँ हमें जो है परेशानी हो रही है किसी चीज़ में, तो आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में आइए, आपको जो भी दिक्कत है, आपको जो भी परेशानी है, आप हमें ज़रूर बताइएगा, आपका वो हम जो है मसला हल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।